How's it? Awesome. बहुत बढ़िया टिक्की बना दो। ये सोय और ओट के कटलेट है। वही। This was awesome, guys. Thanks for the company, and I am going to come here very often. Thank you, Kirti. मैं भी निकल रहा हूँ. तुम्हें साथ ही ड्रॉप कर देता हूँ. I stay right here, so मैं वॉक करके चले जाऊँगी. Not an issue. मैं 5-10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ. मैं ड्रॉप करता हूँ. हाँ, ही ड्रॉपिंग. अरे तूने तो अपनी गाड़ी बेच दी है ना. एक काम कर, तुझे भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ. अरे डोंट गेट हैसल्ड. तेरे को उल्टा जाना पड़ेगा. टाइम खराब होगा. तुम एक टिक्की लगवा तब तक मेरे लिए, ठीक है? और जा काम खत्म करके. तुम दोनों को ड्रॉप कर दो. चलो. अरे यार, तूने जब से ऑफिस छोड़ा है ना, ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स, ऊपर से मल्होत्रा ने जीना आराम कर रखा है. ए बाय द वे, तुझे वो याद है, वो टॉल सी डस्की सी गर्ल, वो मेघना, हॉट सी यार. हाँ, याद है ना, उसने सीक्रेटली मैरिज कर ली. उसको लगा ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा, सबको पता चल गया, रिजाइन करना पड़ा उसे. एक तो बेनिफिट्स गए, ऊपर से कंपनसेशन अलग से भरना पड़ा उसे. लेफ्ट राइट से टूटा दे पूरी में. हाँ, तू क्यों उतर गया? डोंट यू हैव टू गो? मैं चाय पीऊंगा यार. अरे तू जाना, इस वक्त कौन चाय पीता है? देखो रात को नींद नहीं आएगी. सोना किसको है? अरे वो बहुत गंदा पानी यूज करता है. जब चाय को उबालते हैं ना, तो उसके अंदर के सारे जीव जंतु मर जाते हैं. भाई मैं तो पीऊंगा चाय, ठीक है? तू निकल, भैया एक चाय देना. चल गुड नाइट, फिर टेक केयर. अरे अरे, आप अंदर कहाँ रहे? आपको किससे मिलना भाई साहब? क्या आपके पति घर में? जी नहीं, वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड गगन के साथ बाहर गए हैं, तो प्लीज कल आइएगा. इसका मतलब आप अकेली हैं? मैं आ रहा हूँ. आइए ना, तेरी किस बात की? What took you so long? मतलब मुझे लगा तुम वहीं जाके सेटल हो गए हो. क्या यार, एक तो इतनी दूर जाके उतारा, आधे रास्ते में पैदल चल के आया हूँ, हालत खराब होगी. ओहो, तो फिर तुम उसे बता दे दैट वी आर मैरिड एंड वी लिव इन द सेम हाउस. वैसे नॉट अ बैड आइडिया. एक काम करता हूँ, मैं उसे बता देता हूँ, हम दोनों साथ ही रहते हैं, शादी भी हो चुकी है. नहीं, कल सुबह ऑफिस जाऊंगी ना, तो कॉम्पनसेशन के पैसे साथ में लेके जाना. नहीं नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग. अरे हाँ, आनंद लव्ड माय प्लान. He's going to discuss with his partners. I'm meeting them tomorrow morning. Are you serious? That's so cool. I'm sure Anand ke partners ko bhi na tumhara plan bahut acha lagega. And once your business is settled na, then you can leave your job and join my club. That I'll think about. But you'll get a handsome salary in kind. Oh yeah? Then why not? Ab phir hamari shaadi hogi. This part official. Yes, with full term charm. Band, baja, barat. और फिर हम बारातियों का स्वागत करेंगे ओट्स टिक्की के साथ. कटलेट. टिक्की? कटलेट यार. सेम थिंग. चलो तुम्हारे लिए. अरे तुम्हारी मॉम को बोल. हाँ बेटा, जो भी काम कर रहा है ना, छोड़ दे जरा 2 मिनट के लिए. सॉरी. हाँ माँ बताइए. सोमेश आ रहा है मुंबई. हाँ वो अंबाले वाले भैया, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? वो सब मुझे क्या पता,
किसी काम से आ रहा होगा। सुबह 6 बजे स्टेशन पहुंच जाना, वो तेरे साथ ही रहेगा तेरे घर पर। माँ लेकिन मैं तो घर पर होता ही नहीं ना, काम पर जाता हूँ, पीछे से बोर हो जाएंगे। तू मना कर रहा है? नहीं मैं मना नहीं कर रहा, तो बस फिर पहुंच जाना। अरे वो तो कह रहा था होटल में रहेगा, मैंने कहा शिवेंदु का घर होते हुए होटल में क्यों रहेगा। देख बेटा मैं अम्बाला गई थी ना, फैक्ट्री बंद करके वो मेरे पीछे लग गया था। ताई जी यहाँ चलो, ताई जी वहाँ चलो। तुझे भी कोई कमी नहीं छोड़नी है बेटा, मेरी नाक मत कटवा देना। नहीं माँ, कल सुबह 6 बजे। हाँ बेटा 6 बजे पहुँच जाना। हाँ अब सो जा जल्दी। क्या कौन है? सुमेश भैया आ रहे हैं। ये कौन? अम्बाला से कजन है और कल सुबह 6 बजे आ रहे हैं। What? नोटिस तो देना चाहिए था, अब हम क्या करेंगे? तुम बताओ क्या करना चाहिए? How close are you to him? Really, I've been met him in ages. Can you say that मैं तुम्हारी girlfriend हूँ या फिर मैं तुम्हारी roommate हूँ? No. शादी वाली बात बता सकते हो? Of course not. अगर भैया को भनक भी पड़ गई ना कि शादी हुई है, शाम तक 100 रिलेटिव खड़े होंगे यहाँ पे, would be asking किसकी शादी हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये नहीं बता सकता। क्या करें? Then I guess I'll shift out to a friend's house. Baby, तुम manage कर लोगी ना? Do I have a choice? मैंने छाया को 1-2 दिन का कहा है, तो make sure. हाँ, I'll stick to our plan. भैया अगर 1-2 दिन में नहीं गए, तो मैं उन्हें होटल में शिफ्ट कर दूँगा, okay? And miss me, okay? Do I have a choice? You don't. भैया शिवेंदु कहाँ रह गया था? आप बहुत देर से खड़े हैं। अरे 1 घंटे से खड़ा हूँ। मजाक कर रहा था। कैसा है तू? चले। अरे मैं तो ताई जी से कह रहा था मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। कहाँ सुबह सुबह शिवेंदु लेने के लिए आएगा, लेकिन ताई जी कहने लग गए कि नहीं बिल्कुल नहीं, तू पहली बार मुंबई जा रहा है, शिवेंदु लेने के लिए आएगा। मैंने भी कहा ठीक है। ताई जी को सबकी बड़ी चिंता रहती है। नींद पूरी नहीं हुई ना? भैया एक काम करिए, गाड़ी जरा साइड में ले लीजिए। जी भैया। क्यों भैया? तू पीछे आराम से सो जा, मैं आगे बैठता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया मैं ठीक हूँ। अरे तू आराम से लेट जा, मैं आगे बैठा हूँ, 1 घंटा सो लेगा, फ्रेश हो जाएगा। आप गाड़ी रोको। और भाई कितने टाइम से टैक्सी चला रहे हो, कितने घंटे चलाते हो दिन में? 24 घंटे। फैमिली नहीं है क्या? अच्छा ये बताओ दिन भर में कितना कमा लेते हो और कौन कौन है परिवार में? अरे वाह 3 बच्चियां हैं। तुम्हारी बच्चियां स्कूल जाती है ना? क्या नाम रखे हैं? जो बड़ी बेटी उसका नाम कमला है, बीच वाली का विमला, जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम निर्मला है। अरे वाह ये तो बड़े कवि टाइप नाम है, तुकबंदी करके रखे थे क्या? लो भैया आपके ये 400 रुपए। बड़े भाई के होते हुए तू पैसे देगा? रख। चंदू तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हमको भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भैया जी। ये तुम्हारे टैक्सी का किराया? नहीं भैया जी हम आपसे किराया कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भैया जी चाहे घोड़ा भूखा रहे चाहे चना खाए, पर हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। चंदू मेरी बात सुनो, मेहनत की कमाई लेनी पड़ती है। रखो इसे। भैया जी अरे रखो मेरी बात मानो, और ये विमला के जूतों के। ना ना भैया जी ये हम बिल्कुल नहीं लेंगे। मुझे भैया कहते हो जी, फिर मना कैसे कर सकते हो? रखो। भैया जी आप ना मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कहीं भी जाना हो ना मुझे एक बार फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ये सही रहेगा। बताओ बताओ। आइए भैया। ओ भाई क्या घर है, कैसा लगा? अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तेरा अपना है? नहीं किराए का है। किराए का इतना सुंदर घर, ये बहुत पैसा खर्चा किया है? हम उसने किया है। वाइन चाइन है? कभी कभी। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अकेला रहता है? हम अकेले ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया मेंटेन किया। वाह 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 क्या बात है, बहुत मजा आएगा। चलो आप आराम कर लो, थके हो। अरे आराम करते हुए तो आया हूँ, मैं तो सारा दिन बैठ करके बातें कर सकता हूँ। चाय पियेंगे और बातें करेंगे। कैसी बनी है चाय? बढ़िया ना? बढ़िया ना? हाँ हाँ हाँ।
बॉस जी। मैंने बनाई है तो बढ़िया बननी है। भैया घर पर सब लोग कैसे? सब बढ़िया है। सुरीली तो प्ले स्कूल जाने लग गई, 3 साल के हो गए, तू मिलने नहीं आया। इस साल आऊंगा पक्का। भाभी कैसी है? भाभी अटेंडेंस कॉल लगा देता हूँ वरना जान ले लेगी मेरी। आवाज ज्यादा करती है, बातें कम। ये बात तो सही। अरे अभी कहाँ, जब शादी होगी तब पता चलेगा बीवियाँ चीज क्या होती हैं। हाँ मम्मी। स्वेटर मेरे लिए? भैया यहाँ तो सर्दी नहीं पड़ती। अरे सर्दी हर जगह पड़ती है, तुझे नहीं लगती होगी, उम्र के साथ लगने लगेगी। ये ले। ठीक है, है तो अच्छा है। मैं जब अंबाला आऊंगा तब डालूंगा। मार्च में आएगा तो नहीं डाल सकेगा। तो आप अचानक मुंबई कैसे? बहुत जरूरी काम से आया हूँ, किसी से पैसे वसूल। तो पैसे लेके आप चले जाओगे? सोचा तो यही है। तो कब मिलेंगे पैसे? ये तो देने वाली की नियत पे डिपेंड करता है। तो कोई बात तो ही होगी। बात तो तब होती जब वो मेरा फोन उठाता है। पिछले 6 महीने से मेरा एक कॉल नहीं लिया है। इतना बड़ा कंसाइनमेंट भेजा, ईमेल कर दिया कि क्वालिटी सब स्टैंडर्ड। मैंने कहा अगर क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है तो माल वापस भेज दो, मैं चेक कर लूंगा, दूसरा माल भेज दूंगा। लेकिन नहीं, ना पैसे भेजे ना माल वापस किया। अब बताओ। I got a bad feeling about this. मतलब पक्का नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। लेकिन तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं रोज जाकर उसके ऑफिस में बैठूंगा, जिस दिन शर्म आएगी उस दिन पैसे दे देगा। भैया मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। भैया मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आपका क्या प्लान है? जा रहे हो उसके ऑफिस? आज नहीं कल जाऊंगा। भैया कल तो सैटरडे है, कल तो छुट्टी होती है। मेरी मानो आप आज ही चले जाओ। अच्छा सैटरडे की छुट्टी होती है यहाँ? हाँ। कोई नहीं, मंडे को चला जाऊंगा, मुझे कौन सी जल्दी है। अच्छा पर आपका काम वगैरह फैक्ट्री कौन ध्यान रखेगा? अभी ज्यादा काम नहीं होता, ऑफ सीजन है ना, गर्मियों के दिनों में लोकल ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं। ओ। बाकी संभालने के लिए तेरी एंटरप्रेन्योर भाभी है ना, इसीलिए तो अभी आप आया। वैसे क्या बताया आपने, उसका ऑफिस कहाँ है? मैंने कहाँ कुछ बताया? बता दो ना। किसी चर्च के पास है, एक सेकंड। हाँ चर्च गेट। चर्च गेट? अरे भैया वो तो बहुत दूर है, आपके तो आने जाने में रोज 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। हम एक काम करते हैं, उस जगह के आसपास एक अच्छा सा होटल ढूंढ लेते हैं, ना टाइम बर्बाद होगा ना आपको परेशानी होगी। ठीक है? टाइम क्या बर्बाद होना है, मुझे कौन से तोते उड़ाने हैं, चंदू को बुला लूंगा, बातें करते हुए चले जाएंगे। चंदू आपका कोई दोस्त है यहाँ पे? अरे अपना टैक्सी वाला, सुबह जो छोड़ के गया। अरे हाँ पर वो भी तो आने जाने का किराया ले गए ना, बेकार का पैसा खराब होगा। आपको परेशानी होगी मैं होटल बुक करा देता हूँ। शिवेंदु पैसे तो होटल में भी लगेंगे, पर तू वहां नहीं होगा। तू आराम से ऑफिस जा, मेरी टेंशन मत ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कल मजे करेंगे। कल तेरी छुट्टी है सैटरडे की, कितने साल हो गए भाई। I suggest you should have our melting sandwiches, fantastic. बेटा सोमेश का ख्याल रख रहा है ना? हाँ मैं अभी काम पर हूँ, आपसे बात मत करता हूँ। देख बेटा ख्याल रखना, हाँ मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ भैया। हाँ शिवेंदु कितनी देर में पहुँच रहा है, डिनर तक आ जाएगा ना, राजमा बना रहा हूँ। भैया परेशान मत हो, ये खाना वाना मत बनाएंगे, एक काम करिए सामने कैबिनेट के ऊपर कुछ मेन्यू कार्ड रखे हैं, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। अरे और तू? भैया मैं थोड़ा लेट आऊंगा, शायद मैं खाना खा कर आऊँ। अरे बाहर क्यों खाएगा, घर पे खाना बन रहा है। ठीक है भैया मैं आता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। हाँ जल्दी आ जा, बोर हो रहा हूँ मैं। ओके ओके बाय। एक्सक्यूज़ मी। हाय। अच्छा लिसन तुम कब आ रहे हो? कहाँ? वी वर सपोज्ड टू मीट राइट? ओह आई एम सो सॉरी, आई विल कम एंड सी यू इन सम टाइम। नो अगर तुम बिजी हो तो यू कैन टेल मी। नहीं नहीं इट्स फाइन, आई विल कम एंड सी। ओके बाय। हाउ वाज योर मीटिंग विद योर इन्वेस्टर? अरे एक्सीलेंट, देखिए जितनी ग्रोथ मैंने अपने पहले ट्रक से दिखाई है ना, दैट्स आउटस्टैंडिंग। रियली? But they want to see more proof of my intentions. So they want me to start one more truck on my own. Then they'll back me up on this whole project. Baby, this is so cool. Lekin ek aur truck, how will we manage? Mushkil hai. We'll figure it out. Tum ye batao, tumhara pehla din ghar se bahar kaisa raha?
1 BHK में ऑलरेडी 3 लड़कियां रह रही है, ऊपर से मैं और आ गई हूँ. सो जस्ट इमेजिन द केओस. और पता है यहाँ पर इस घर का एक रूल है कि सारी लड़कियों को अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना होता है. सो जब तक मेरी बारी आई, आई गॉट सो लेट, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. तो किसी को बोल देती ना कि तुम्हारे लिए बना देता हूँ. Did you not hear? I said कि यहाँ का एक रूल है. Are you with me or someone else? What? हम भी थी. बोलो क्या कह रही थी? Nothing important. मैं सिर्फ ये कह रही थी कि breakfast नहीं मिला, bathroom late मिला, so I got late for my work. तो एक काम करना, कल सुबह सबसे पहले उठके bathroom hold कर लेना. Or you can just talk to your brother and I can get back in the house. I spoke to him. And? And I tried to convince him कि वो होटल में शिफ्ट हो जाए. But he is not comfortable. कितने दिन रहने वाले हैं वो? मतलब किस काम के लिए आए? और मैं यहाँ पर कितने दिनों के लिए रहने वाली हूँ? I mean, छाया को मैंने एक दो दिन के लिए कहा यार. मतलब बोलना अलग बात होती है लेकिन प्रैक्टिकली उसको तो बार बार किसका फोन आ रहा है? जस्ट पिक इट अप ना. सुमेश भैया तो पिकअप करो ना. नहीं यार, वांट पिक इट अप. शाम से फोन कर रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, घर आ जाओ. मैं बोर हो रहा हूँ, घर आ जाओ. तो एक काम करो, तुम घर ही जाओ. वैसे भी सुबह उठकर मुझे बाथरूम बोर्ड करना है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है अपने लिए. सुबह गुड. भैया. हेलो भैया, कहाँ हो? पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में? सब कुछ ठीक तो है. अब पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? अरे टेंशन की बात नहीं है, आके बताता हूँ. अरे अब बताओ तो सही, कौन सा पुलिस स्टेशन? मैं आता हूँ. कौन सा पुलिस स्टेशन है? बांगूर नगर. बांगूर नगर, ठीक है मैं आता हूँ. मिलते हैं. मुंबई का पहला दिन पवारे एक्सपीरियंस हो गया. अब तो बताओ भैया कि आप वहां पहुंचे कैसे? अरे बड़ी लंबी कहानी है. दो लोग लड़ रहे थे सड़क पे, लड़ के आ रहे थे. एक बंदा दूसरे को पीट रहा. अरे कौन दो लोग? यही तो नहीं पता है. वो दोनों तो पुलिस के आते ही भाग गए और मैं जो लड़ाई रोक रहा था वो पकड़ा गया. भैया आपको किसी के पर्सनल मैटर में पड़ने की क्या जरूरत है? इसमें पर्सनल क्या है? सड़क पे लड़ने में कुछ पर्सनल नहीं होता है. और मैं उनके घर थोड़ी गया था. शिवेंदु तू सोच, सड़क पे दो लोग लड़ रहे हो और मैं खड़ा होकर देखता रहूं. एक बात बताऊं, ये सड़क पे जो लोग मारपीट करते हैं ना, उनका इंटेंशन नहीं होता है मारपीट करने का. बस ये सब गुस्से में आकर करते हैं, बाद में बहुत पछतावा होता है. और जो पिट रहा होता है उसका सोच, उसका हाल क्या होता होगा? भैया मुंबई में इन सब चीजों की कोई कदर नहीं करता, खासकर पुलिस तो बिल्कुल नहीं करता. आप इन झमेलों से दूर ही रहो तो अच्छा है. रियली? एनीवे जो हुआ सो हुआ, वो सब छोड़ो. कल का क्या प्लान है? कल का क्या प्लान है? अरे हाँ, कल का प्लान तो तू बताएगा ना, तेरी छुट्टी होती है सैटरडे की. मेरी क्यों छुट्टी सैटरडे की? तेरे ऑफिस के रूल्स अलग हैं. अरे हाँ, मेरा तो ऑफिस कल बंद है. तो एक काम करते हैं ना, पैसा वसूली जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है. तो आपको जिससे पैसे लेने हैं उसके सीधा घर चलते हैं. ऐसे लोगों को घर पर ही पकड़ना चाहिए. घर पर ठीक नहीं लगता है, और वैसे भी मेरे पास उसके घर का एड्रेस है नहीं. अरे ऑफिस का एड्रेस तो है, मैं घर का एड्रेस पता कर लूंगा. मैं भी आपके साथ चलूंगा. तू भी साथ चलेगा? हाँ. एक काम करते हैं, चंदू को भी बुला लेते हैं, तीनों इकट्ठे चलेंगे. परफेक्ट. अभी फॉरवर्ड करता हूँ एड्रेस. यही है? हाँ भैया, एड्रेस तो यही है. वो देखो ना, नाम तो वही है. बजाओ घंटी, बजाओ. बाजी. हाँ भैया, अंदर से घंटी की आवाज तो आ रही है. हाँ हाँ, बजी बजी बजी. खोल तो नहीं रहा कोई. शिवेंदु, शिवेंदु. हाँ भैया. जल्दी आ, वो देख वो बैठा है. कहाँ? अरे वो गार्डन में झाड़ के पीछे. पक्का वही है? 25 बार स्काइप में बात कर चुका हूँ, वही है. भैया वही होगा. तो आवाज लगाओ ना. सोलंकी खोल. अरे
भैया जी दरवाजा खोल दिए। कहाँ घुसे जा रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? क्या दादागिरी है ये? अरे दादागिरी तो अभी दिखाई नहीं, दिखाओ दादागिरी। चल बाहर निकल सोलंकी को। अरे मैं ही घर पर अकेला हूँ, कोई नहीं है। खाओ माता रानी की कसम। अरे हम सच कह रहे हैं भैया, कोई नहीं है। अरे वहाँ कौन बैठा था? अरे वहाँ 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 कोई और था। अच्छा पहले कह रहे थे कि घर पे कोई नहीं है, अब कह रहे हो कोई और बैठा था? झूठ पे झूठ बोल रहे हो। वो हम ही बैठे थे वहाँ पर। ओ, तो दो मिनट में मूछे हो गए हैं? अब देखिए आप लोग बाहर चलिए, आप लोग बाहर चलिए। आप जाओ, आप जाओ मालिक, चुप जाओ। अरे कहाँ छुपेंगे, गुफा है क्या? अरे माता रानी की झूठी कसम खाते कीड़े पड़ेंगे तुझे। राकेश जी मालिक। अरे मिला? हाँ तो पैसे मिल गए? नहीं। तो हम जा क्यों रहे हैं? अरे घर पे कोई 15 लाख रुपए थोड़ी ना रखता है, मंडे को ऑफिस बुलाया है, दे देगा। चलो भैया कुछ तो ले लो, सिक्योरिटी गाड़ी है ना, गाड़ी ले जाओ। अरे चोर थोड़ी ना है, बिजनेसमैन है, दे देगा। वैसे इस गाड़ी के पहिए और स्टीयरिंग मेरे ही पैसों के हैं। भैया हमें तो लगता है तेल भी आप ही के पैसों से डलवाया। कहो तो निकाल लूं? नहीं छोड़ दो, चलो। भैया हवा निकाल लूं? चलो चलो। अरे तेल तो निकाल लेते, काम आ जाता है। अरे बेबी यू वोंट बिलीव इट, दुनिया में इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैंने आज तक नहीं देखे। हम सोलंकी के घर पे गए, हम सोलंकी को हमने सामने देखा अपनी आंखों से, और उसके बाद सोलंकी ऐसे धुंधबा के भागा ना, एज इफ देयर इज नो टुमारो। एंड देन देयर इज अ गाय हु केम एट द डोर, आई वी स्पोक टू हिम, ही सेड यहां पर कोई था ही नहीं। इमेजिन हमारे पैसे मिल गए। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। नहीं तो कब मिलेंगे? एज इन जब मिलेंगे तभी भैया जाएंगे ना? बट उसने भैया को ऑफिस में बुलाया है पैसे देने के लिए मंडे को। By the sound of it, आदमी तो बड़ा शरीफ लग रहा है, पैसे तो दे देगा। नहीं नहीं, obviously शरीफ तो नहीं है, नहीं तो भैया को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती और प्रॉब्लम भी नहीं होती। प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, because you seem to be enjoying yourself. तुमने कहा था एक दो दिन की बात है, तो मैं एक दो दिन के कपड़े लेकर आ गई। ऑफिस जाने के कपड़े नहीं है मेरे पास, आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। या बेबी आई गेट इट, ओके एक काम करते हैं, तुम मुझे बता दो क्या लेके आना है, मैं तुम्हारे कपड़े ले आऊंगा और छाया के यहाँ छोड़ दूंगा। ओके लेफ्ट वाले कबर्ड में 3 सेक्शंस है, लेफ्ट वाले सेक्शन में शर्ट्स रखी होंगी, हाफ स्लीव वन, फुल स्लीव वन, मुझे पफ स्लीव वाली शर्ट चाहिए, वो लेकर आना। राइट वाले कबर्ड में पैंट्स का सेक्शन होगा, स्कर्ट का सेक्शन होगा, फॉर्मल वाली स्कर्ट चाहिए, स्लिट वाली स्कर्ट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक पम्प्स चाहिए। हाँ रिमेंबर अंडरगार्मेंट्स भी चाहिए, तो ड्रॉअर खोलोगे तो उसमें बेज वाला चाहिए, सीमलेस वन एंड ब्लैक पर्ल। ओके 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 आई गॉट इट, ये नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। ओके मैं भैया को अपने साथ कल बाहर ले जाऊंगा, तुम आकर अपने कपड़े ले जाना। इज इट ओके? ओके ओके ट्राई दैट एंड आई एम रियली काउंटिंग ऑन यू। ओके Good morning, Shivendu. Good morning. So I got hold of Parmeet and he also looks interested in the idea. In fact, Parmeet itni jaldi kisi se nahi milta. Oh, that's great. So mil lo. If all goes well, then he'll also join hands with us. And then your next truck will also have the funds that you're looking for. So can you make it to the club in an hour? In an hour? Kya hua? Aa raha hai ki nahi? Yeah, I'll see you in an hour. Okay. Thanks. Good morning, bhaiya. गुड मॉर्निंग। नींद कैसी रही? बहुत बढ़िया, चाय पिएगा? बना रहा हूँ। हाँ एक कप मेरे लिए भी। हमारा जो हाजी अली वगैरह जाने का प्रोग्राम था उसमें अगर मैं ना जाऊँ तो चलेगा? अरे क्यों, क्या हुआ? भैया एक जरूरी मीटिंग है और मैं अवॉइड नहीं कर सकता। संडे को भी? बहुत खून चूसते हैं तेरा। कोई नहीं बाद में चलेंगे, अगले संडे। नहीं भैया आप अभी जाओ, अगर अगले संडे तक आप नहीं रहे बॉम्बे में, आपका काम पूरा हो गया तो फिर मुझे बुरा लगेगा कि आप मुंबई की सैर नहीं कर पाए मेरी वजह से। एक काम करो ना, चंदू को फोन कर लो, वो ले जाएगा। हाँ ये भी सही रहेगा, करता हूँ उसको फोन।
हाँ चंदू कैसा है? कमला, बिमला, निर्मला सब कैसी हैं? अच्छा है। हाँ तू एक काम करना, उनको बोल कि एक इंस्टॉलमेंट अभी दे देगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट 2-3 महीने बाद दे देगा। नहीं नहीं ऐसा होता है। अच्छा चंदू ये सब बातें बाद में करेंगे, ये बता अभी तू कहाँ है? हाँ तो आ जाना, मुंबई दर्शन के लिए चलना है, शिवेंदु को कुछ काम है वो जा रहा है। अच्छा ठीक है। आ रहा भैया? नहीं वो अंधेरी में कहीं है, बोला लोखंड वाला आ जाए। अरे तो सही है ना, मैं भी अंधेरी जा रहा हूँ, आपको वहां उतार दूंगा लोखंड वाला पर, फिर आगे चल जाना। सही है, एकदम सही है। देखा नहीं। चलो तैयार हो जाओ फिर जल्दी। अब चाय पीते हैं फिर तैयार होते हैं। हाँ चलिए, मेरे लिए चक्कर कम डालना प्लीज। हेलो। अच्छा सुनो बेबी, we both are leaving. ठीक है, I have to go for a meeting. But भैया's leaving to town for show. Okay, awesome timing. मैं निकल रही हूँ यहाँ से, मैं ready with them. अच्छा फिर मैं शाम को मिलता हूँ. ठीक है, cool. Bye. Okay baby, bye. Love you. कैसा लग रहा हूँ? Cool लग रहे भैया. Top से लेकर bottom तक सब branded है, अंदर भी. नहीं लगना चाहिए ना, मुंबई घूमने आया हूँ. Photo अच्छी आनी चाहिए. हेलो कौन है आप और ये क्या कर क्या रही हैं? Excuse me, आप कौन है? मैं घर का मालिक हूँ, मालिक हूँ घर का, जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, क्या कर रही हैं आप? चोरी? नहीं ये 8th floor है राइट? 8th floor है, 8th floor है, 7th floor दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगा कि ये 8th floor है। ऐसे ही लगा, झूठ बोल रही है। लिफ्ट खुली तो मुझे लगा। आप झूठ, झूठ नहीं बोलिए। मैं जा रही हूँ, आप सिक्योरिटी को मत बुलाइए। I'm really very sorry. मतलब हद है भैया, कोई हाल? अरे फिर से आ गई आप। अरे भैया ये तो हमको शक्ल से ही चोर लग रही है। पता क्या है, ये ना बड़े बड़े शहर में ना अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के लड़की लोग भी चोरी करती हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ एक वीडियो देखा था हमने, आपको भी फॉरवर्ड करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम पिट गए। क्या भैया? नहीं इसलिए तो वापस आए ना। हाँ भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है, ताले को कुछ कर। बहुत अच्छा शिवेंद्र, सुपर, आई लाइक योर प्लान एंड आई लाइक हिज एंथुसियाज्म। चलो करते हैं, तुम्हारे अगले ट्रक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इक्विटी 10%। ठीक है, आई थिंक दैट्स फेयर। सॉर्टेड है ना, आगे के ट्रक्स के लिए आनंद तो है ही ना। कैन यू गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट कम बैक। या बेबी, डू यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड? व्हाट? भैया ऑलमोस्ट गॉट मी रेड हैंडेड एंटरिंग द हाउस। मैं चोर लग रही थी अपने घर में, चोरों की तरह घुस रही थी। लेकिन भैया वहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, तुमने कहा था कि वो हाजी अली गए हैं, तुम लोग साथ में निकले थे ना? हाँ मैं उनको खुद लोखंड वाला छोड़ के आया था। Then what is he doing here? I have no idea, वो वापस कैसे आ गए? Please call him, मैं staircase पे बैठी हुई हूँ बेवकूफ की तरह, मुझे कपड़े चाहिए, what am I supposed to do? Okay, give me a minute, let me call him and call you back. बहुत जोर से मार दिया चंदू। हाँ भैया गरीब आदमी की तो कोई सुनता नहीं, बस दे देना दर लग जाते हैं, और यहाँ बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। सुबह टैक्सी लेकर निकलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, देखिए दिन में तारे नजर आ गए। ऐसा ऐसा नहीं बोलते हैं, अच्छे दिन आएंगे, तेरे जैसे लोग भी तो हैं। हाँ शिवेंदु, अरे अच्छा किया तूने फोन कर लिया, अरे आज तो गजब होने वाला। क्या हुआ भैया? अरे आज मैंने तेरे घर पर एक चोरनी को रंगे हाथों पकड़ा है, रंगे हाथों। लेकिन भैया आप घर क्यों आ गए? अरे वो सब छोड़, ये तो अच्छा है कि मैं टाइम पर आ गया, वरना अपना घर लूट गया होता आज। हाँ तो अब तो वो चली गई होगी ना, तो आप भी जाएंगे? ना, कहीं वापस आ गई तो? उसके पास चाबी भी थी, मैं यहाँ मोर्चा संभाले बैठा हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे मेरा भी तो घर है, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ काम कर आराम से। ओके भैया, ओके ओके। शिवेंदु आर यू डन? कोई और इन्वेस्टर मिल गया क्या तुमको? नहीं नहीं सब, जस्ट वन मोर अर्जेंट कॉल। हेलो कीर्ति, आई डोंट थिंक भैया इज लीविंग एनीवेयर, सो उनका प्लान कैंसिल हो गया, तुम निकल जाओ, कोई फायदा।
I'm sorry, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, I know that. Why aren't you understanding? I have a very important meeting tomorrow. I don't have clothes to wear. What am I supposed to do? Can you borrow? Maybe you can buy. क्या क्या खरीदूंगी मैं और कितने दिनों के लिए खरीदूंगी, क्योंकि इस बात की कोई क्लैरिटी तो है नहीं कि वो कब जाने वाले. यार ऐसे तो मैं बैग उठा के घूमती रहूं, क्या कर रहे हो यार? अच्छा फॉर नाउ मैं उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ, ठीक है? तुम जाकर जो सामान उठाना चाहो उठा लो, ओके? तुम उन्हें यहाँ बुलाओगे? Does anyone in your family know that कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है और तुम एक फूड ट्रक का बिजनेस चला रहे हो? I don't have to tell him कि मेरा फूड ट्रक है. I'll call him. अभी फोन कर रहा हूँ. ठीक. तुम कुछ खाओगी? फोन करो. हेलो भैया, आप आ सकते हो बाहर? मेरा एक प्लान है. लीजिए भैया आपका पास्ता. गरम है. वैसे देखने जैसी चोर थी, इतनी ग्लैमरस की कोई कह ही नहीं सकता कि चोर हो सकती है. और बला की खूबसूरत थी. अंबाला में ऐसा नहीं होता है, मतलब भरी दोपहरी में चाबी लगाकर पता. लेकिन अगर वो शहर है तो हम भी सवा शहर हैं, वापस नहीं आ पाएगी. अच्छा ऐसा क्या किया भैया? ये रही तेरे नए ताले की चाबियां. दो तू रख ले, एक मैं रख लेता हूँ, वक्त आने पे दे दूंगा. मैं अभी आता हूँ. अरे इधर ठंडा हो जाएगा, कहाँ जा रहा है अभी? हेलो भैया, निकल गए क्या? नहीं बेबी, तुम घर पहुंच गई? यस. एंड पता नहीं समथिंग इज रॉन्ग, लॉक खुल ही नहीं रहा है. खुलेगा भी नहीं. क्यों? भैया ने घर के लॉक चेंज करा दिए. एक्चुअली उन्हें लगा तुम थीफ हो फॉर सिक्योरिटी. आर यू सीरियस? मेरे घर का लॉक उन्होंने चेंज करा दिया, किसकी परमिशन से भाई? आई नो इट्स वेरी स्टूपिड. या यस इट इज स्टूपिड. या बस एक और दिन. Maybe just one more day. Okay. I'm working on it. Maybe just one last day, please. Okay. अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वन मोर डे प्लीज. या आई नो. अभी 6:56 हो रहे हैं, मैं रात के 10 घर वापस आऊंगी, अपने बाथरूम में नहाऊंगी, अपनी कबर्ड से अपनी पसंद के कपड़े निकाल के पहनूंगी, अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाऊंगी और अपने बेड पे सोऊंगी. जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू. Can I have the key, please? अरे वाह, आज बड़ी जल्दी आ गया. भैया कपड़े निकालो और बैग पैक करो, हम जा रहे हैं. जा रहे हैं? बैग पैक करो. कहाँ जा कर रहे हैं? भैया सवाल मत करो, चलो उठो जल्दी करो, पैक करो, हम वेकेशन पे जा रहे हैं, चलो. लेकिन शिवेंदु मैं तो ऑलरेडी वेकेशन पर हूँ, बता तो सही कहाँ जा रहे हैं. महाबलेश्वर जा रहे हैं. महाबलेश्वर जा रहे हैं? अरे ये तो कमाल का सरप्राइज है. तेरी छुट्टी हो गई क्या? हाँ भैया मेरी छुट्टी हो गई, अब प्लीज बैग पैक कर लो. क्या चल रहा है शिवेंदु? खुशी भैया सब कुछ ठीक है. नहीं सब कुछ ठीक है तो हम लोग तो महाबलेश्वर जा रहे थे ना, तो फिर यहाँ गेस्ट हाउस क्यों आ गए? भैया हम कल महाबलेश्वर जाएंगे, अभी आप आराम कर लो. हाँ तो फिर कल ही निकलते घर से, आज यहाँ क्यों आए हैं? भैया घर से अभी निकलना था. आप नहीं समझोगे, कल सुबह बात करते हैं. क्यों नहीं समझूंगा?
क्योंकि मैं छोटे शहर से हूं। अच्छा, शायद तू ये सोचता है कि मैं छोटे शहर से हूं इसलिए मेरी सोच भी छोटी होगी। शिवेंदु, तुझसे बड़ा हूं, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक बार बताकर तो देख, हो सकता है समझ जाऊं। हाय परमीत। व्हाट हैपेंड? बट आई ब्रोक नाइस यू थैंक्स। क्या हुआ, सब ठीक है? आप जिस फूड ट्रक पर आए थे वो मेरा है। मैं अपनी जॉब छोड़ चुका हूं और अपना सब कुछ इसमें इन्वेस्ट कर चुका हूं। जो सेकंड ट्रक मुझे अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से शुरू करना था, उसके इन्वेस्टर ने अभी अभी बैकआउट कर दिया है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो इंसान मेरी सबसे ज्यादा केयर करता है, उसे पिछले एक हफ्ते से मैंने घर से बेघर कर दिया है। किसे? माय वाइफ, बीवी। बीवी? शादी कब हुई? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? अरे तो बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी खुशी की बात तूने छुपा के रखी। अरे इस बात को तो सीना ठोक के बताना चाहिए। भैया नहीं बता सकता था। जिस कंपनी में वो काम करती है, उस कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 5 साल तक शादी नहीं कर सकती, और अगर कंपनी में पता लग गया तो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ तो थोड़ा रुक जाता, कुछ टाइम बाद शादी कर लेता। भैया बिना शादी किए एक लड़का और एक लड़की को रेंट पर मकान नहीं मिलता, और हम दो दो फ्लैट का खर्चा नहीं उठा सकते। तो अब ये भी बता दे तेरी बीवी कौन है। वो ही ग्लैमरस चोर जो आपको मिली थी। वो? अरे बाप रे, उसको तो मैंने क्या क्या बोल दिया। मैं तो उसके लिए बिन बुलाया मेहमान हो गया। शिवेंदु, ये तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। बीवी को घर से निकाल दिया। अगर उसकी जगह तेरी भाभी होती ना तो जूते से मारती मुझे, वो भी बीच सड़क पे। कहां है, कहां तेरी वाइफ? शिवेंदु? हेलो चंदू, कहां है तू? अच्छा ये गोरे गांव में महालक्ष्मी गेस्ट जानता है? आजा आजा। अरे भाई साहब उतरो। अरे उतरो मतलब मुझे तो बांद्रा जाना है। पर मुझे तो गोरेगांव जाना है। तो मैं क्या करूं? अरे भाई साहब मुझे कोई अर्जेंट काम है, आप उतर जाइए। तो मैं कैसे जाऊंगा? आप दूसरी टैक्सी पकड़ लो। पैसे नहीं दूंगा। भाई पैसे की क्या बात करते हैं आप ना, ये 10 रुपए रखो, बच्चों के लिए अमरूद लेके जाना। तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बता, ये बीवी का तो समझ में आता है, लेकिन ये फूड ट्रक वाली बात तूने क्यों नहीं बताई? भैया आप तो जानते हैं पापा कैसे सोचते हैं। मैंने उन्हें हिंट दिया था फोन पर, लेकिन उन्होंने कहा क्या बावर्ची बनेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, खाना बनाना भी टैलेंट का काम होता है। तूने मेरे हाथ का खाना खाया ना? हा? हा? टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। हमारे घर पर जब कोई बिना परमिशन आ जाता है तो हम लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं। उस दिन मैं आपके घर को अपना घर समझ के सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाने लगा, आपको चोर बना दिया। जबकि इतने दिनों से आपसे बिना पूछे मैं आपके घर में घुसा हुआ हूँ, आपने कुछ नहीं कहा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? शिवेंदु आजा। तू तो कह रहा था कि ये गुस्सा है, ये तो हंस रही है। तुमने भैया को ये कहा है कि मैं गुस्सा हूँ? भैया मैं गुस्सा नहीं थी, मैं थोड़ी सी परेशान थी। पहले बता देता तो परेशान नहीं होना पड़ता। मैंने तो कहा था कि बता दो। क्यों नहीं बताया?
तुमने कब कहा था? कहा तो था उस दिन। किस दिन कहा था? अरे उस दिन। अरे जब कह रही है कहा था तो कहा होगा? कहा था। कहा था, सब तेरी गलती है। हाँ सारी गलती मेरी ही है, मैं ही कल्प्रिट हूँ, मुझे ही सूली पे चढ़ा दो। वाह ये ठीक रहेगा। भैया आप अंदर आइए और आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। बोलो। खोलो, जो खत्म हो गया भाई खोलो, भाई खोलो। भैया आपकी ट्रेन कितने बजे की है? 12 बजे की है। आपने पैक कर लिया ना सारा सामान? ये रहा सामान। भैया जब आप नहीं जा रहे थे तो सोचा था कि कब जाओगे, अब जब आप जा रहे हो तो लग रहा है कि क्यों जा रहे हो। तो रुक जाओ। बिल्कुल। अरे अंबाला में ही तो रहता हूँ, अगली बार फिर आ जाऊंगा तेरी भाभी और सुरीली के साथ। हाँ लेकिन इस बार जब आप आओ तो हमारी ऑफिशियल वेडिंग के बाद ही आना। हाँ अगली बार आऊंगा तो मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं रहूंगा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा वो मैं सोलंकी के साथ फॉलो अप कर लूं। सोलंकी के साथ फॉलो अप? क्यों? आपको पेमेंट नहीं मिली ना? हाँ? किसने कहा पेमेंट नहीं मिली, वो तो मंडे को ही मिल गई। व्हाट? तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? I'm so sorry. Actually, तुम लोगों को बताता तो बीवी को बताना पड़ता, बीवी को बताता तो वो कहती वापस आ जाओ, और वापस चला जाता तो मेरी वेकेशन कट शॉर्ट हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहता था। एक्चुअली मुझे यहाँ इतना मजा आ रहा था कि मैंने कहा कुछ दिन और रह लेता हूँ। तो बेसिकली हाइडिंग इन्फॉर्मेशन रन्स इन द फैमिली। ओह यस, ये हमारा खानदानी पेशा है, हम दोनों भाई हैं। अच्छा एक जरूरी बात, ये तो रख ले। भैया बोल के बता देते, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी। नहीं भैया मैं ये नहीं ले सकता। अरे ये गिफ्ट नहीं है, इक्विटी है। इक्विटी किस बात की? तेरा इन्वेस्टर भाग गया है तो मैं हूं तेरा इन्वेस्टर, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट। भैया आप तो मेरे प्लान के बारे में भी नहीं जानते, तो मैं ये कैसे? तेरे ट्रक पे आया था ना, तेरी मेहनत देखी, इंप्रेस हो गया। थैंक यू भैया। मजाक कर रहे हो ना? कभी कभी सीरियस भी होता हूँ। अच्छा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हाँ चंदू पहुंच गया, बस आ रहे, अब चले। It's over. Finished.